इसको बोलते हैं पंखा डांस। हमारा था लुंगी डांस, ये है पंखा डांस। गर्मी बहुत है, अब क्या करें बेचारे। मैं आपको भूल जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, और आप मुझे भूल जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आ गई हूँ। रात के 10 बजे के बाद मैं निकली हूँ घर से। एक्चुअली ये मेरा नेबरहुड है, और सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि आपको मैंने अपना नेबरहुड ही नहीं दिखाया जो इतना क्रेजी है, और जिस वजह से लोग ओसाका आते हैं, जो चीज़ को ओसाका देखने आते हैं, वो चीज़ अगर नहीं दिखाया तो क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने आज पूरा दिन, इतनी गर्मी थी, घर से निकली नहीं। हमने पूरा प्लान कर रखा था आज रात का दोतमबोरी रिवर दिखाएंगे। ये जगह का नाम है दोतमबोरी, और यहाँ पे एक नदी है, रिवर। एक्चुअली सब दोतमबोरी रिवर बोलते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ मैन मेड कैनाल। इट वॉज मेड टू इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अभी तो इसमें बहुत सारे फुट ब्रिजेस बन चुके हैं, मतलब मुकाशी से बने हुए हैं, सो दैट यू नो दे कैन दिस एरिया कुड बी बिल्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट हो सकता था। सो या, सो अभी इसी जगह पे है, और आपको दिखाऊंगी मैं कि यहाँ का जो सबसे फेमस एक्टिविटी है, तो रिवर वॉक पे जाके हम दिखाएंगे कि किस लिए शाम के बाद रिवर, इट्स सेफ, तो किस लिए शाम के बाद रिवर वॉक पे जाना है, और यू नो क्या क्या है यहाँ पे, किस लिए लोग पागल है इस जगह के लिए। तो चलिए अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मैं पूरा रिवर नहीं चलूँगी। जैसे आपने आपने देखा अभी कुछ देर पहले क्लिप लगा था, वहाँ पे, यहाँ पे दोतमबोरी रिवर क्रूज भी है, तो आप चाहे तो क्रूज में बैठ के इस पार से उस पार देख सकते हैं, लेकिन मैं इतना वॉक नहीं करूँगी बिकॉज इट्स सैटरडे नाइट, सो ऑब्वियसली वी शुड ईट ड्रिंक एंड मस्ती। सो इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा जो मेन एरिया है वो दिखाऊंगी, जिसके लिए लोग पागल है ओसाका आने के लिए। एंड देयर इज सो मच टू डू इन दोतमबोरी, सो इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इफ यू जस्ट हैव फ्यू आवर्स इन ओसाका, यू मस्ट कम टू दिस प्लेस, ड्रॉप इन, ईट, बी मैरी एंड गो बैक होम। ठीक है, चलो देखते। ओके फ्रेंड्स, डीजे पार्टी हो रहा है ऑन द बोट। वाओ, कितना एंजॉय कर रहे हैं ना, एक हम ही है पागलों की तरह ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। इसको बोलते हैं पंखा डांस। हमारा था लुंगी डांस, ये है पंखा डांस। गर्मी बहुत है, अब क्या करें बेचारे। आपके लिए मैं पता नहीं कितने सीढ़ियां चढ़ूंगी और उतरूंगी, जो कि मैं सबसे हेट करती हूँ इस दुनिया में, सीढ़ियों पे ज़्यादा उछल कूद करना। ओके, सो दोतमबोरी रिवर वॉक, तो मैं पैदल चलना स्टार्ट कर चुकी हूँ, और चलिए दिखाते हैं आपको इसका फर्स्ट अट्रैक्शन जो है, कि यहाँ पे है ना डोंकी होते। ये देखिए दोस्तों, ये डोंकी होते, ये एक चेन शॉपिंग मॉल है, और यहाँ पे सब कुछ अंडर वन रूफ, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टूथब्रश टू द इलेक्ट्रॉनिक्स, यू गेट एवरीथिंग ओवर हियर। और अगर आप रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अगेन हर कोई यहीं से शॉपिंग करता है, क्योंकि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। एंड देन आई हैव दिस ह्यूज फेरीज व्हील, सो एक बार यहाँ पे चढ़ जाओ अगर टाइम नहीं है, और पूरा शहर का, मतलब पूरा दोतमबोरी एरिया का एक व्यू ले लो। एक्चुअली ये ना बंद पड़ा था, लेकिन फिर उन लोगों ने इतना डिमांड हुआ कि इन लोगों ने मेंटेनेंस करके फिर खोल दिया, एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो लुकिंग बैक। ऑलवेज यहाँ पे लाइन लगी रहती है, या तो फेरिस व्हील चढ़ने के लिए, या फिर इसी डोंकी होदे के नीचे से चलता है रिवर क्रूज। ये देखिए रिवर क्रूज, सो यहाँ पे लाइन लगा है रिवर क्रूज, और 31st नाइट फाइट या फिर कोई गोल्डन वीक या कुछ हो, तो रिवर क्रूज का लाइन पता नहीं वहाँ तक चला जाता है। और वो देखिए ताकोया की शॉप बहुत है इस रिवर के सामने, बिकॉज पीपल लव ताकोया की, एंड ताकोया की इज़ द नेशनल फूड ऑफ ओसाका। ठीक है ना,
एक्चुअली फ्रेंड्स, इसी रास्ते में, इसी रिवर में, नदी के दोनों किनारे बसाया गया है, अर्बन डेवलपमेंट किया गया है, बसाया गया है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, जो कि बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि दिस प्लेस इज़ लाइक लास वेगास ऑफ जापान। एंड ये जगह इज क्रेजी। यहाँ पे ये स्पेशल, खास करके इस रिवर, इस एरिया में जहाँ पे मैं चल रही हूँ, जो कि दोतमबोरी मेन ब्रिज के इर्द गिर्द है, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, और क्या बोलते हैं उसको, नाइट क्लब्स है, नाइट क्लब्स है उस गली में, तो नाइट क्लब्स है एंड देन डिस्कोथेक्स। सो नॉर्मली जापानीज पीपल डू नॉट लाइक डिस्कोथेक्स एंड नाइट क्लब्स, सो आई हैव नेवर सीन देम सो क्रेजी अबाउट डिस्कोथेक्स एंड नाइट क्लब्स जैसे हमारे वहाँ होते हैं। बट या डेफिनेटली जाते तो है ज़रूर, अदरवाइज वाई वुड इट रन इन दोतमबोरी, है ना? तो या बट दैट्स नॉट आवर पार्ट ऑफ द यू नो चॉइस। सो हम लोग फैमिली लोग हैं, हम फैमिली वाले ऐसे ही घूमना पसंद करते हैं। सो या काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ओपन एयर सीटिंग अरेंजमेंट्स भी है। आई डोंट नो इफ आई शुड शो यू दिस। सो दैट्स अ नाइट क्लब, ओके। और यहाँ पे ना नाइट क्लब्स वगैरह ना इतना डिस्प्ले नहीं करते, सब पहले अंदर जाओ फिर देखो। यहाँ पे एक डीजे था, ओके, G3 जो दिख रहा है ना, ये शॉप बंद है आज। आई डोंट नो सैटरडे नाइट को क्यों बंद है, बट यहाँ पे डीजे बजाता है एंड इट्स ओपन, लाइक यू नो इट्स ओपन, कांच में से देख सकते हैं आप डीजे को बजाते हुए। आज पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। देखा आपने पिंक हवाई रेस्टोरेंट, ये देखिए कितना क्यूट बना रखा है, देखा? और क्या क्या मिल रहा है, वो है H&M का मेन स्टोर, और ये है वो जो इंडियन रेस्टोरेंट दिख रहा है, इंडियन फ्लैग की क्या हालत कर दी है देखो। ये है इंडियन रेस्टोरेंट, इसको मैं बाद में ना आगे जाके घूम के दिखाऊंगी आपको, ठीक है? और ये है कानी का हेड ऑफिस। तो चलो सेकंड फुट ब्रिज पे हम चलते हैं और देखते हैं क्या है। अरे बहुत दिनों बाद रात को निकली हूँ, मतलब मुझे तो रात को निकलना मैं भूल ही गई थी, कैसे बोरिंग सा लाइफ हो गया था। एक यूट्यूब का कंप्यूटर में स्टिक, आई जस्ट गेट स्टक टू द कंप्यूटर और बस, और कुछ नहीं करती। आज बड़ा मज़ा आ रहा है, वो देखो, बाय बाय। देखा यहाँ पे सब हाथ दिखाते हैं यार। केरा क्रैब का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट ओसाका का, इसका चेन है बट ओसाका में हेड ऑफिस है, ये मेन रेस्टोरेंट है जो खुला था। और ये है एबिसु बाशी, मतलब इस ब्रिज का नाम है एबिसु, हाशी मतलब ब्रिज, एबिसु ब्रिज। और आप देख सकते हैं, आपके लिए मैं सीढ़ियां चल रही हूँ सो दैट आई कैन गिव यू, ओ देखो स्पाइडरमैन की फोटो खिंचवा रहा है, स्पाइडरमैन फोटो खिंचवा रहा है। पता नहीं कोबे ब्लॉग में देखा कि नहीं, स्पाइडर पर मतलब कोबे बीफ, हो सकता है किस रेस्टोरेंट का वो कर रहा है। वाओ, दिखाती हूँ मैं आपको। Oh, he's asking to watch his TikTok. TikTok, Akatokuro. And look at his balance on the cycle. Okay, friends. ये एबिसुबाशी ब्रिज है। और अगर आप सोच रहे हैं कि एबिसुबाशी ब्रिज में आप आ जाएंगे और शांति से फोटो ले लेंगे, तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज दिस प्लेस इज़ द बिजिएस्ट एंड इस ब्रिज को पता नहीं दिन में मिलियंस ऑफ लोग क्रॉस करते हैं, फिर भी इट्स सो क्लीन।
सो इंडिया होता तो अब तक तो हो जाता। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इसने रिंग लाइट दे रखा है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये ग्लाइकोमैन है। ग्लाइको तो आपने सुना ही होगा, एक कंपनी का नाम है ग्लाइकोमैन। ये भी सिंबल ऑफ ओसाका है, तो हर कोई यहाँ पे आके एक फ़ोटो तो खींचता है। और यहाँ पे फ़ोटो लेना चाहो तो ये लाइट के ऑपोजिट हो जाता है, तो आप पूरा डार्क हो जाते हो। इसीलिए ना यहाँ पे ये बंदा हमेशा लाइट लेके आता है। पता नहीं वॉलंटरी है ये उसका, देखा जापनीज लोग कितना काइंड है, वॉलंटरी करता है वो, बस ऐसे ही लाइट लगा के फ़ोटो खींच देता है लोगों का। देखो मोजी सान को कितना शौक है उनको खींचने का, देखा? ठीक है ना, ये सारे नियॉन लाइट से पता नहीं चलता कि ये जगह कभी सोता भी है और नहीं। और ये है जो कानी का मैंने बताया था क्रैब रेस्टोरेंट, ये है, मैं बाद में वहाँ पे जाके दिखा रही हूँ आपको क्रैब रेस्टोरेंट में क्या है। तो ये जो है ना ऊपर आशा ही ड्राइव, इसको भी मैं पिछले 6 साल से इसी जगह पे ऐसे ही देख रही हूँ, ये हमेशा ऐसा ही रहता है हमेशा। सो मैं और एक ओमोशिरोई चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले तो आपको मैं बोट दिखा देती हूँ कि सारे बोट इस स्पॉट पे आके क्यों रुकते हैं। ये देखिए आप देखेंगे कि सारे बोट इसी स्पॉट पे आके रुकेंगे, एक बार तो रुकेंगे ही। बड़ा मज़ा आ रहा है आज इतना दिन बाद। एक्चुअली ना मुझे ऐसा फील हो रहा है, आज सुबह जब मैंने सूरज की किरणें देखी थी, आई मीन होल डे इट वॉज वेरी सनी एंड ब्राइट, बट वो ना येलो नहीं था, वो था वाइट, विच मीन्स दुर्गा पूजा इज राउंड द कॉर्नर। तो इसलिए मेरा दिल वैसे भी खुश हो रहा है, और फिर ये नियॉन लाइट्स वाइट्स वगैरह देख के मुझे तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट, ये बोट यहाँ पे क्यों रुकता है, इज बिकॉज देखो धुआं निकल रहा है, इसका मतलब फोटो खींच गई और टाको मर गया। ताकोयाकी ताकोयाकी ताकोयाकी, और इसका मजा ले रहा है जो बोट में है सारे ऐसे, सब फोटो खींचने में बिजी है। अरे मैं इनके फ्रेम के फ्रेम पे आ गई थी कैमरे के सामने, वो हर एंगल से फोटो खींचेगा, उसका आँख जहाँ जहाँ जाएगा ना हर एंगल से फोटो खींचेगा, फिर आप वहाँ जाके एंड पॉइंट पे जाके चूज कर सकते हो। ये बिल्कुल ग्लाइकोमैन के सामने है ये, तो बोट ट्रैक में जाने का ये एक फायदा है कि आपका एक मेमोरी रहेगा, और ऊपर तो होर्डिंग्स है चारों तरफ। अरे मैं जाते जाते ये रास्ता भी आपको रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ, ये जो नदी के पैरेलल जो गली जा रहा है ना, वो भी बहुत ओमोशिरोई है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं ओसाका के दोतोंबोरी के कानी मतलब क्रैब रेस्टोरेंट के सामने, और जैसे कि आप देख सकते हैं ओसाका इज कॉल्ड द किचन ऑफ द नेशन, और फूड के लिए जो भी डिस्प्ले आप देखेंगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। सो दिस इज़ डेफिनेटली इंस्टाग्राम फ्रेंडली प्लेस, तो आप आइए और लीजिए। और यहाँ पे काउंटर्स है, ये सारे कानी, एवरीथिंग इज़ क्रैब, सो यू कैन बाय एंड कैरी आउट और यू कैन सिट इन द रेस्टोरेंट एंड ईट, डजंट मैटर। एंड देन वी हैव अ स्टारबक्स, एंड देन वी हैव अ बिग स्टारबक्स, एंड देन वी हैव फॉरएवर 21। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो दोस्तों जितने भी अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं इस रस्ते में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ लाइक एनिमेटेड और यू नो वेरी कैसे बताओ, जैसे आपको कहानी दिखाया, अब ये भी देख लीजिए, ये है द फेमस ताकोयाकी। लाइन लगा रहता है, अभी रात के 10 बजे इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। और इस तरफ भी है, यू सी ताकोयाकी, इसी को बोलते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली एन इंस्टाग्राम फ्रेंडली प्लेस, एंड दिस वन, ये फुगु फिश है,
जापानीज रेस्टोरेंट है ये. ये फिश है फुगु, मतलब ये बहुत ही एक स्पेशल काइंड ऑफ फिश है, सी फिश, जिसका लिवर पॉइजनस होता है. ये है वो फिश, लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल शेफ्स ही काट सकते हैं. जापान में ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, इसलिए अगर प्रोफेशनल शेफ्स नहीं काटे, क्योंकि मुकाशी बहुत लोग मर गए थे ना घर में बनाने के टाइम पे, सो दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड. ओनली प्रोफेशनल शेफ्स हु हैव द लाइसेंस टू कट दिस फिश कैन कट दिस फिश एंड सेल इट. तो रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ता है, प्रीटी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इट्स कॉल्ड फुगु. ये है गोल जैसा पेट फुला हुआ, इसको बोलते फुगु. ये देखिए सुशी, एक हाथ एक सुशी आपको दे रहा है, देखा सुशी है ये. ये देखिए दोस्तों, ये और एक दूसरा बिल्डिंग है, और यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स, दो तीन काइंड के रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पे एक कैमरा लगा है जो कि नीचे के लोगों का वो करता है, रिकॉर्डिंग करता है, जो भी पास करता है या जो भी, देखिए लोग फोटो खींच रहे हैं, उसका भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखा आपने. तो ये है ओसाका का, मतलब नॉट ओसाका का, जापान का एक यूनिक स्टाइल जो वो डेफिनेटली दिखाते हैं अपने एनिमेशन एंड ऑल दोज काइंड ऑफ क्रिएटिविटी. तो दोस्तों फॉरएवर 21, ये दोतंबोरी के इसी रास्ते पे फॉरएवर 21 के ऑपोजिट में एक बिल्डिंग है जिसका सेकंड फ्लोर पे है इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे एक इंडियन फ्लैग हमेशा उड़ता है, और जो धूप में जिसका सैफ्रन कलर बिल्कुल ही लाइट हो पड़ा है, फिर भी ये डट के खड़ा है वो फ्लैग फॉर लॉन्ग 6 ईयर्स मैं देख रही हूँ. और उसके ग्राउंड फ्लोर पे है थाई रेस्टोरेंट. तो जैसे कि मैंने बोला, ओसाका आओ, दोतंबोरी आओ, तो खाने का इतना चॉइसेस, लाइक यू कैन इंडल्ज योर सेल्फ इन फूड, एंड दैट्स व्हाट ओसाकांस वांट यू टू इंडल्ज योर सेल्फ इन यू नो एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ फूड. सो इसलिए मैं आपको सोचा कि ये पूरा एरिया आज, मतलब पूरा एरिया मतलब द मेन स्पॉट, जहाँ पे अगर आपको टाइम की प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, आ सकते हैं और खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं. ओसाका का पूरा जितने भी मेमोरीज है यू कैन टेक बैक विद यू. इसीलिए आज इस स्ट्रीट को जो जो है वो मेन है रिवर के सामने, मैं दिखाऊंगी आपको. ये देखिए एक बंदा हमेशा यहाँ पे खड़ा रहता है, पिछले 6 सालों से देख रही हूँ मैं, कोई ना कोई खड़ा रहता है, और वो है इंडियन रेस्टोरेंट, और वो है हमारा इंडियन फ्लैग, और ये है उसके ऑपोजिट में गांको सुशी, मतलब सुशी का गांको सुशी एक चेन रेस्टोरेंट है. और ये है ओसाका का एक दूसरा सिंबल, ये है एक सुवीनियर शॉप, ठीक है. यहाँ पे एक स्टैचू लगा रहता था, तारो स्वीट्स इन द शॉप, इनका स्टैचू लगा रहता था, पता नहीं कहाँ हटा दिया इन लोगों ने, शायद हाँ ये ओसाका का सिंबल है, आई डोंट नो इस जगह का भी सिंबल है. तो इसका एक स्टैचू लगा रहता था, शायद किसी ने तोड़ वोड़ दिया होगा, अब नहीं दिख रहा है, जगह लेता था ये बहुत. और ये है एक सुवीनियर शॉप, और उसके ऑपोजिट क्या है, मोमोज. किसको खाना है मोमोज? ये मोमोज तो हम खा नहीं सकते, इसमें भूता है, लेकिन मोमोज जिसको भी खाना है ना, ये सबसे फेमस शॉप है. आइए देखते हैं, ऑलरेडी लाइन लगी पड़ी है, देखा मोमोज. ये जिसको ढूंढ रहे थे हम, टैरोस पार्लर, ये है फोटो स्पॉट, ठीक है ना. हर कोई यहीं पे फोटो लेता है. ये है फोटो स्पॉट, और इस बिल्डिंग में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं. ये भी ओसाका का एक सिंबल है. एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, लॉट्स ऑफ यूट्यूबर्स जो अपने कैमरे टांग के बैठे हैं. कभी किसी और के ब्लॉग में मैं दिख जाऊँ तो आश्चर्य मत होना, दिस इज माई नेबरहुड.
तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं, फिर भी आप देख सकते हैं ये जगह कैसा है। सो नाउ यू नो कि ओसाका नेवर स्लीप्स, एटलीस्ट दोतोंबोरी नेवर स्लीप्स, एंड ये रात भर ऐसा ही रहेगा। कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि यहाँ पे लोग कम है। तो और एक जगह लेके आई हूँ मैं उसी स्ट्रीट में, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको ड्रैगन। ये देखो, ये ड्रैगन का टेल है बिहाइंड। ये है एक बहुत ही पुराना और फेमस रामेन शॉप, ठीक है ना। और लाइन दिख गई। हाँ, रात को रामेन खा के सब घर जाने के लिए। ये देखो ड्रैगन। और ये है कुशिकात्सु, कुशिकात्सु का शॉप। और वो रहा कोबे बीफ, नहीं हाँ वाशुकु हॉर्मोन, अब लटका रखा। और यहाँ पे फैमिलीज खा रहे, ये दिखा रखा है कि फैमिलीज खा रहे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितना हाई स्पिरिटेड जगह है, लेकिन इस जगह इतने हाई स्पिरिट, इतने नियोन लाइट्स, इतने सब कुछ के बीच में भी, मिलियंस ऑफ विजिटर्स के बीच में भी, एक ऐसा गली में हम खड़े हैं अभी जो कि एक टेंपल है, एक बुद्धिस्ट टेंपल जो इस एरिया का, दोतोंबोरी का मतलब रखवाला है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। बट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड जिसको मैं बताऊंगी। और ये बहुत ही शांत गली है, और इसमें एक गेट है टेंपल का, जिसके उस पार जाओ तो आपको लगेगा कि आप 70 साल पहले के जापान में पहुंच गए हो। इट्स सच अ नाइस एम्बियंस इनसाइड, इट्स लाइक अ टाइम लैप्स, यू नो। गेट के इस तरफ पूरा ओसाका का ढिंचैक दोतोंबोरी, और उस तरफ पूरा एकदम फुरुई पुराने जमाने का जो ट्रेडिशनल जापानीज बुद्धिज्म कल्चर और बिल्डिंग्स वगैरह। ये देखो, ये लिखा है होसेनजी कोइसान दोरी। और ये लैंटर्न्स मुझे इतना अच्छा लगता है ना जापान का, कुछ कहने की हद ही नहीं। और वो है वो टेंपल का गेट। ओके, ये रहा दारुमा कुशिकात्सु टेंपल के गेट के बिल्कुल सामने, देखा। और ये है कैट, ये देखो, इट्स अ कैट। जापान में ऐसे चीजें बहुत मिलेंगे। और ये है होसेनजी ओतेरा। चलो चलते हैं। सो इस गेट के अंदर पैर रखी और देखो कितनी शांति, मतलब इट्स लाइक द ओल्ड जापान। देखो रेस्टोरेंट के स्मेल भी आ रहे हैं, पूरा ओल्ड जापानीज फूड के। ये है बुद्धा, गौतम बुद्धा। ये अश्वगंधा फूल है ना, अश्वगंधा फूल ये बहुत चढ़ाते हैं भगवान को, पता है। ये देखो, यहाँ पे आप किसी भी बुद्धिस्ट टेंपल में आप विश खरीद के यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक यू नो फ्रॉम दैट काउंटर यू कैन बाय इट। And these are all the wishes that people have. Very good. Very good. Look at the numerous lanterns. गौतम बुद्ध का वो है, बंद है अभी। एंड दिस इज वेयर यू पुट योर अगरबत्ती एंड कैंडल्स। और हर बुद्धिस्ट टेंपल में आपको हाथ धो के जाना पड़ेगा। दीज आर ऑल द विशेस। Thank you.
ये है गेट, अगर आपको पता है तो आपने देखा होगा ऑरेंज कलर के गेट्स। ये गेट के अंदर पैर रखने से पाप धुलते हैं। ये भी बंद हो रखा है, तो ऑब्वियसली 9 बजे के बाद हमारे हिंदू देवता भी। तो दोस्तों ये लैंटर्न्स के नीचे खड़े होके मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ रात के 11:30 बजे यहाँ। सो ये एक देख सकते हैं आप, इतना शांत है। और इस टेंपल का एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, चलो। ये है ना, ये एक स्पिरिट है बुद्धा का, बुद्धिज्म का, जो मॉस में गिरी हुई है। ये देखिए ऐसे ना मॉस में गिरी हुई है, पता है ये स्टोन स्ट्रक्चर्स है बट मॉस में गिरी हुई है। पता है इसका क्या स्टोरी है? अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर मॉस में गिरी हुई है। और यहाँ पे पानी है, और आपको अगर कोई विश मांगना है तो आप हाथ धो के आइए और इन पे पानी चढ़ाइए। और विश मांगिए तो आपका विश पूरा होता है। तो फ्रेंड्स, इस होजेन जी टेम्पल का स्टोरी ये है कि ये एक अभी एक छोटा सा टेम्पल है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक टेम्पल था बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू। एंड ये पूरा एरिया इस टेम्पल का, इट वाज अ ह्यूज एरिया। और यहाँ पे पिलग्रिम्स को, जैसे हमारे वहाँ होते हैं ना पिलग्रिमेज प्लेसेस में, पिलग्रिम्स को पिलाने के लिए चाय के दुकान वगैरह, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह होते थे। तो यहाँ पे भी चारों तरफ जो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये गली, ये नॉर्थ साइड का गली वगैरह, ये सब यहाँ पे बसे थे और रेस्टोरेंट्स और चाय की दुकान और ये सब खुले थे जस्ट फॉर द पिलग्रिमेज, टू सर्व द पिलग्रिम्स। और फिर ये पूरा एरिया वॉज एयर रेडेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और पूरा ख़त्म हो गया था एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर स्टैचू ऑफ जू, आई थिंक इट्स जूनो और जूडो, आई एम नॉट श्योर अबाउट बुद्धिज्म बट आई फाइंड आउट। सो या एक्सेप्ट दैट स्टैचू, कि उस स्टैचू को कोई आँच नहीं पहुँची थी। एंड देन 80 ईयर्स बैक एक महिला ने इस स्टैचू को स्टैचू से कुछ मांगा था और इन पर पानी छिड़का था और उनका विश पूरा हो गया था। सो सिंस देन इट्स इसका बहुत नाम है कि इनको अगर कोई विश दिल से मांगा जाए तो पूरा कर देते, जैसे हमारे वहाँ मान्यता है, इनका भी एक मान्यता है। एंड देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ऑब्वियसली दिस बिल्डिंग वॉज, दिस एंटायर थिंग वॉज रीबिल्ट, बट अभी ना छोटा हो गया है, मतलब जितना पहले था रुद्वा वो नहीं है, छोटा करके छोटा एरिया में बनाया गया है। एंड या सो दैट वॉज द पावर ऑफ गॉड that the statue was left untouched. So yeah, that was the story. तो इसीलिए लोग उस उसके बाद से जब भी यहाँ पे आते हैं और कोई भी विश करते हैं तो उस पे उन पे पानी ज़रूर छिड़कते हैं। इट्स कॉल्ड लाइक अगर पानी नहीं छिड़केंगे तो आपका विश पूरा नहीं होगा, तो पानी छिड़कते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें मॉस बन गया है, सो इट्स फुल ऑफ मॉस। और यहाँ के लोगों का मानना है कि मॉस को कभी सूखने नहीं देना चाहिए तो भगवान रुस जाते हैं। सो या मॉस को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए, इसलिए हर कोई हर वक्त यहाँ पे आके विश करते हैं और पानी डाल के जाते हैं। सो या दैट वाज द स्टोरी ऑफ होजेन जी टेम्पल। और चलिए यहाँ का स्ट्रीट दिखाते हैं, एंड यू कैन सी कि इन सब चीज़ों के बीच ये कितना शांत एक जगह है। इट्स मतलब पुराने ज़माने के रेस्टोरेंट्स वगैरह है। ये देखो ये गली कैसा है, ये लैंटर्न देखो, इसमें बार वगैरह रेस्टोरेंट्स के नाम लिखे हैं। और ये है टिपिकल जापानीज रेस्टोरेंट्स सारे। ये तो ग्यू नाबे, नाबे पता है क्या होता है? नाबे होता है ऐसे पानी, गर्म पानी उबलता रहता है। क्या हो गया,
ऐसे गर्म पानी उबलता रहता है और उसमें ऐसे ऐसे आप डाल के उसको बॉईल करके खाते हैं। देखा कितना टिपिकल जापानीज है ये। और लैंटर्न, ये तो लैंटर्न स्ट्रीट हो गया है। ये देखिए ओकोनोमियाकी, ये ओकोनोमियाकी शॉप है। ये याकिनुकी, इस साइड में है कुशिकात्सु दारुमा। मतलब इस तरफ से भी एंटर करो तो कुशिकात्सु है, उस तरफ भी एंटर करो तो कुशिकात्सु है। और ये भी नाबे शॉप है, एकदम टिपिकल पुराने ज़माने के। ये देखो कितने पुराने ज़माने के। और एक गली इतना साइलेंट था, और उसके बाद जैसे ही आप कदम बाहर रखोगे तो दोस्तों ये गली इतना शांत था, और अभी देखो एक गली से निकलते ही क्या हालत हो गया है। So yeah, that is Japan. It's very unique in its own ways. कि एक सेकंड में आपको मिल जाएगा टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, और दूसरे सेकंड में आपको मिल जाएगा पुराने ज़माने के टिपिकल ट्रेडिशनल थिंग्स। सो जापान विल नेवर स्टॉप सरप्राइजिंग यू। सो दिस इज़ अ प्लेस, ये भी एक रीज़न है जो इन सब चीज़ों से, इन सब एडवेंचर से पसंद करते हैं, उनको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। अदरवाइज इफ यू कॉन्ट लव द कल्चर ऑफ जापान, यू कैन नॉट स्टे इन जापान, यू कैन नॉट एन्जॉय इन जापान। सो दैट्स द थिंग, बेसिक थिंग। तो या ये था मेरा ब्लॉग, और इस ब्लॉग अगर यहाँ पे एंड हो रहा है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड जिन जिन लोगों ने पहली बार देखे हो, वेलकम टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक माई वीडियोज़ इफ़ यू लाइक दम। और जो जो सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को बहुत 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 दिल से थैंक यू, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी कि यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन जापान, बिकॉज आई लव जापान एंड आई लव द कल्चर ऑफ जापान। तो या ये था मेरा ब्लॉग, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।